हेलो गाइस, बिंदु फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे मालपुआ रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान है, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी को नमन। हमें चाहिए चीनी, गेहूं का आटा, पानी, काली मिर्च। काली मिर्च से पूड़े फूलते नहीं हैं और खाने में स्वाद अच्छा आता है। सौंफ डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छी रहती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ताज़ा दही, सूखा दूध, इससे थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आएगा पूड़े में। एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और गेहूं का आटा डाल देंगे, चीनी को भी डाल देते हैं, साथ ही जाएगी सौंफ और काली मिर्च। इस सारे सामान को मिक्स कर देंगे ऐसे। अब इसमें जाएगा ताज़ा दही। दही हमारा खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें डाल देते हैं एक बाउल पानी का। इसे भी मिक्स करेंगे। मालपुआ बनाने में कोई भेद नहीं है, बस मालपुआ का घोल सही तरीके से होना चाहिए। आप देख रहे हैं कितना आसान है इसे बनाना, ना कोई चाशनी ना कोई झंझट। सारा सामान बस एक बाउल में डाल दिया है। अब इसका अच्छे से घोल बनाना है। इसमें हमने एक कटोरी पानी की और डाल दी है। आपने ये मालपुए पहले कभी नहीं बनाए हैं तो भी आप इसे बड़ी आसानी से बना लेंगे। मालपुए में लगभग 400 ग्राम के करीब पानी लग गया है और 100 ग्राम पानी बच गया है। मालपुए के घोल की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए। और अब हम करवाएंगे रेस्ट और इसे ढक देंगे। रेस्ट हो चुका है। अब इसमें जाएगा लास्ट इंग्रेडिएंट्स, सूखा दूध। मिक्स करेंगे और 4-5 मिनट फेंटेंगे इस तरह से। मालपुए का मिश्रण तैयार है। अगला प्रोसेस, मालपुआ बनाने के लिए हमने ये तवी ले ली है। ये स्पेशल पुआ बनाने के काम आती है। इस तवी में हम तिलों का तेल डाल देंगे। श्राद्धों में तिल के तेल का विशेष महत्व होता है। वैसे तो पुए शुद्ध घी में ही बनाए जाते हैं। शुद्ध घी के पुड़ों का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको जो पसंद हो वैसे ही बनाएं। कुकिंग ऑयल को हमने ना ही तो ज़्यादा गर्म करना है ना ही कम। कुकिंग ऑयल को मीडियम गर्म करेंगे ताकि पूड़े हमारे अच्छे से सिकें। हल्का सेक आना शुरू हो गया है। पहले हम एक पूड़ा बनाकर चेक करेंगे इस तरह से। एक पूड़े का घोल डाल दिया है। ऑयल का तापमान सही है। पूड़े का घोल भी बहुत अच्छा बना है। कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, कितना फैल गया है पूरा, यही सही घोल की निशानी है। अब इस चमचे से बैटर लेंगे और मध्य गरम कुकिंग ऑयल में डाल देंगे। इसे हमने फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही फैल रहे हैं। आप देखकर महसूस कर रहे हैं।
पुए आप छोटे या बड़े अपनी पसंद के हिसाब से बनाएं। माल पुए सिक गए हैं, इन्हें हम इस तरह से पलट देंगे, दूसरी साइड को भी अच्छे से सिकने देंगे। इसी तरह से बार बार पलट कर अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। इस तरह झर की उल्टी साइड पर रखेंगे, दूसरी झर की उल्टी साइड से ही प्रेस करेंगे ताकि सारा कुकिंग ऑयल एक्सेस में जो है वो निकल जाए। इसी तरह हम सारे पूड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये पूड़े भी खाने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म भी परोस सकते हैं। और इन पूड़ों का खीर के साथ खास मेल होता है। इसी तरह हम कुकिंग ऑयल निकालते जाएंगे और सारे पूड़े बनाते जाएंगे। सारे मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं। दबा दबा कर कुकिंग ऑयल निकालने की वजह से पूड़े थोड़े चिपक गए। इनको हम खोल देंगे और इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे। 3-4 दिनों तक खाए जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, मालपुए का घोल सही तरीके से बनाएं। गैस का तापमान मीडियम रखें। फ्राई करते समय ध्यान से पलटते रहें ताकि मालपुआ जले नहीं, गोल्डन ब्राउन होने तक। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप सभी को मेरा राम राम जी।